गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिकल टॉपिक चल रहा था। इसके पहले आपने देखा था कि जो भी पार्ट हुए थे उसमें अर्थमेटिकल रीजनिंग के पोर्शन चल रहे थे। उसमें हमने आपको तीन टाइप बताए थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। टाइप फर्स्ट में हमने ये बताया था कि एक समूह में 10-12 लोग हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं, तो उनके द्वारा मिलाए गए हाथों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपने देखा फॉर्मूला होता था एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। दूसरा आपने ये देखा था कि एक विद्यार्थी को सही प्रश्न करने पर इतने नंबर मिलते थे, गलत करने पर इतने मिलते थे। विद्यार्थी ने इतने प्रश्न किए, उसने किस कुल कितने सही या गलत प्रश्न किए, इस तरीके के प्रश्न बनते थे। और टाइप थर्ड में आपने देखा था कि एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ बैल होते थे या कुछ गाय तथा मनुष्य होते थे, उनके पैरों की संख्या दी जाती थी, सिरों की संख्या दी जाती थी और उसमें से गाय या मनुष्य की संख्या पूछी जाती थी। तो इस तरीके के प्रश्न हो चुके थे। आज हम लोग टाइप चार की बात करेंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग। और इसमें हम टाइप फोर की बात करेंगे। देखिए टाइप फोर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। टाइप फोर में आपको इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाएगा, किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो बताइए कि वह संख्या कौन सी होगी। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, ये होना चाहिए। तो वह संख्या कौन सी होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और जोड़ सकते हैं, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताइए कि वह संख्या कौन सी हो, ठीक है। यानी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है। अब हमें ये नहीं पता है, इसलिए सलूशन की अगर बात करें, हमें संख्या नहीं पता। तो और मैथ और रीजनिंग कहते हैं कि जब नहीं पता हो तो मान लिया जाए। तो माना वह संख्या क्या मान लेते हैं x। अब x के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या यानी x प्राप्त हो। आपसे ये कह रहा है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात यह। अब इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 400 बराबर 5x। अब आइए देखा जाए तो यहाँ 5x माइनस 4x बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। यानी वो संख्या क्या होगी बच्चों, 400 हो जाएगी, ठीक है। पूरी बात आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से कई बार पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन आपने देखा कि क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, बताइए कि वह संख्या कौन सी है। तो हमें नहीं पता था कि संख्या कौन है,
हम लोगों ने माना मान लिया कि वह संख्या यक्ष है और यक्ष के 80% में 80 जोड़ा तो स्वयं वही संख्या यानी यक्ष आ गई। अब काट देते हैं 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यहाँ पर 4 यक्ष हो गया, यहाँ पर 8 45 हो जाएगा 400, और ये 5 यक्ष इधर आ गया तीरिय गुणा होकर। 4 यक्ष और 5 यक्ष है तो 5 यक्ष में से 4 यक्ष घटाया तो यक्ष आ गया और वह संख्या क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो स्वयं वही संख्या तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है प्राप्त होती है बताइए कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, बताइए कि वह संख्या कौन सी है। तो आइए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब यहां सॉल्यूशन की बात करेंगे। माना वह संख्या जो है एक्स है, माना वह संख्या एक्स है। अब एक्स के 60% में, तो 60% का मतलब 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या यानी एक्स मिलेगा। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इंटू 60/11 होगा प्लस 60 होगा बराबर एक्स हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 20 चौका देखिए यहाँ पर 5 बार जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 पंजे होता है तो यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x होगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, किसी संख्या कह रहा वह संख्या x है, किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जा रहा है तो स्वयं वही संख्या x आ रही है। यानी आपने देखा कि 20 तिहाई 60 होता है, 20 पंजे 100 हो गया, 3x हो गया प्लस 5 छंग 30 300 हो गया और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x बराबर 300 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 300 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यानी वह संख्या कौन सी है, 150 है। जरा एक बार देख लिया जाए सॉल्यूशन की सही है कि गलत है। अगर संख्या हम क्या कर लें 150 ले लें और 150 का अगर हम 60% निकालना चाहें और इसमें हम 60 जोड़ भी देते हैं, यहाँ पर हम 60 जोड़ भी दें, देखते हैं क्या मिलता है। अब यहाँ देखा जाए तो 3 है, यहाँ पर देखते हैं तो 5 है। अब यहाँ काट दीजिए तो 5 3 15 30 हो गया, 30 3 90 प्लस 60 यानी आपने देखा 9 6 15 कितना हो गया 150, यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया हमने, देखिए पूरी बात आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये था किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, बताइए वह संख्या कौन सी है। तो हमें पता नहीं है कि संख्या कौन है, तो हमने मान लिया कि वह संख्या यक्ष है
और यक्ष के 60% में 60 जोड़ दिया जाए तो यक्ष आ रहा है। अब 60/100 होगा प्लस 60 यक्ष हो गया। अब आपने देखा कि 20 60 20 50 100 थ्री यक्ष और यहाँ पर 5 6 30 300 ये गया 5 यक्ष हो गया। अब आपने देखा 5 यक्ष में से 3 यक्ष गया 300 हो गया, 2 यक्ष = 300 है, 3 यक्ष = 150 हो गया। और यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखा भी दिया कि 150 कैसे आता है। मान लेते हमने कहा कि 150 एक संख्या थी, उसके 60% में 60 जोड़ा तो 150 आना चाहिए। तो आपने देखा कि 20 30 60 20 50 100 5 से काट दिया, 5 3 15 और यहाँ पर 0 है, 30 3 90 और 60 90 और 60 को जोड़ा तो 150 हो गया है, तो यानी ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है वो ये देगा कि एक एक समूह में एक समूह में एक समूह में बंदर के देखिए एक समूह में बंदर के एक बंदर के आगे एक बंदर के आगे एक बंदर के आगे 4 बंदर बंदर के आगे 4 बंदर तथा तथा बंदर के पीछे तथा बंदर के पीछे 4 बंदर 4 बंदर बंदर के आगे 4 बंदर तथा बंदर के पीछे 4 बंदर हो 4 बंदर हो तो बताइए कि तो बताइए कि उस तो बताइए कि उस समूह में बताइए कि उस समूह में कुल कितने उस समूह में कुल कितने बंदर हैं उस समूह में कुल कितने बंदर हैं। ठीक, ये आपको बताना है। अब आइए इसके सलूशन की बात करें बच्चों। अगर हम सलूशन की बात करें तो कह रहा है कि बंदर के आगे 4 बंदर हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ एक बंदर बनाया और इसके आगे 4 दिखाना है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यानी देखा जाए तो देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितना है, एक बंदर है तो एक बना लीजिए और आगे और पीछे जितना बोलेगा वो हमेशा सेम बोलता है। तो जैसे आगे देख रहे हैं कि 4 बंदर बोला है और पीछे भी 4 ही बोला, यानी एक में जितना आगे पीछे बोलेगा उतना आपको ऐड कर देना। अगर एक में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 बंदर होगा। और अगर इसको प्रूफ भी करना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हमने इस बंदर को लिया तो इसके आगे आप देख रहे हैं कि 4 बंदर आपको नजर आ रहा है। और अगर हम पीछे वाले को ले लेते हैं यहाँ से इसके पहले देखेंगे तो इसके पहले भी 4 बंदर है। यानी इधर वाले से ले रहे हैं तो उसके आगे 4 था और पीछे वाले से ले रहे हैं तो उसके पीछे भी 4 था। तो चाहे आगे से लीजिए चाहे पीछे से, तो आपने देखा कि 4 ही आ रहा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जितना भी आगे पीछे करेगा एक में उतना जोड़ देंगे वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक एक वैद्युत चेन एक वैद्युत चेन पूर्व से एक वैद्युत चेन पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है पूर्व से पश्चिम दिशा
में जा रही है, पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो बताइए कि तो बताइए कि उसका धुआं तो बताइए कि उसका धुआं किस दिशा किस दिशा में जाएगा। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हर पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये हर पेपर में पूछा जा चुका है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, मतलब सारे एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर लोग गलती कर देते हैं। अब उनको ये लग रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो कोई भी चीज़ अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही तो धुआं भी उसके अपोजिट जाएगा, यानी पश्चिम से पूरब जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो ध्यान से देखते नहीं कि क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो टाइप है ये आपका क्वेश्चन बेस्ड टाइप है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसके थ्रू होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात किया है विद्युत ट्रेन की। अब लड़का विद्युत ट्रेन नहीं देखेगा, उसके दिमाग में केवल ट्रेन है कि पूर्व से पश्चिम जा रहा है, धुआं किस दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेन के बारे में नहीं पूछा है, विद्युत ट्रेन पूछा है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन का मतलब वो जो धुआं नहीं देती, जो किससे चलती है, लाइट से चलती है, बिजली से चलने वाली ट्रेनें होती हैं। इसलिए यहाँ होगा कि एक ऑप्शन पूरा पश्चिम उत्तर एक दिखता है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। या तो यहाँ पर ये होगा कि धुआं ही नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कौन सी ट्रेन है, विद्युत ट्रेन है, ठीक है, धुआं नहीं होगा क्योंकि विद्युत ट्रेन है, क्योंकि विद्युत ट्रेन है, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, विद्युत ट्रेन होने पर धुआं नहीं देगी, इसलिए उसका धुआं किस दिशा में जाएगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कंफर्म हो चुका होगा। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं और अगला टाइप है, टाइप नंबर हम पांचवें की बात करेंगे मित्रों। टाइप नंबर जो पांचवा है वो इस तरीके का प्रश्न बनाता है। प्रश्न हमारा ये रहेगा कि एक बस, क्वेश्चन है कि एक बस कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है, दिल्ली के लिए रवाना होती है बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के दो गुने हैं। जब बस दिल्ली पहुंचती है तो उसमें
दस पुरुष उससे तो उससे दस पुरुष उत्तर दस पुरुष उतर जाते हैं दस पुरुष उतर जाते हैं और बीस महिलाएं बस पर सवार हो जाती हैं बस पर सवार हो जाती हैं बस पर सवार हो जाती हैं तो इस प्रकार बस में बैठे महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान हो जाती है महिलाएं और पुरुषों की संख्या समान हो जाती हैं। तो बताइए कि बस में प्रारंभ में कितने यात्री थे। चलिए देखिए इस तरीके क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है कि एक बस कानपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के दोगुने हैं। जब बस दिल्ली पहुंचती है उससे 10 पुरुष उतर जाते हैं और 20 महिलाएं बस पे सवार हो जाती हैं। इस प्रकार बस में बैठे महिला और पुरुषों की संख्या समान हो जाती है। बताइए कि बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दोगुनी है। तो महिलाओं की संख्या की दोगुनी है, यानी हम क्या करें, पहले मान लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो माना, देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, माना महिलाओं की संख्या क्या मान लेते हैं, यक्ष तथा पुरुषों की संख्या क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि पुरुष जो है महिलाओं की संख्या में दुगने हैं, तो महिलाओं की संख्या को x मान लेते हैं और पुरुषों की संख्या को क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि यानी बस से 10 पुरुष उतर जाते हैं, यानी पुरुषों की संख्या 2x है और अगर 10 उतरते हैं तो 10 की कमी कर देते हैं और 20 महिलाएं चढ़ जाती हैं तो महिलाओं की संख्या में 20 की वृद्धि कर दें। आपने देखा कि 10 पुरुष उतर रहे हैं तो पुरुषों की संख्या में 10 की कमी है और 20 महिलाएं चढ़ रही तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि है। इस प्रकार पुरुष और महिला की संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो जाएगी।
यही बोला है कि बस में जब 10 पुरुष उतरते हैं 20 महिलाएं चढ़ती हैं, तो बस में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। अब आइए देखा जाए, 2x है ये इधर ले आइए, माइनस x है उधर ले जाइए, 20 प्लस x होगा, यानी आपने देखा कि x बराबर कितना हो गया 30। अब ये x का मान आया, अब आपसे क्या कह रहा है, अतः यात्रियों की संख्या पूछा था, अतः यात्रियों की संख्या, और यात्रियों की संख्या क्या होगा, महिलाएं यक्ष हैं और पुरुष क्या हैं 2x है। यहां पर 30 रख दें, यहां 30 दुना 60 रख दें, 60 और 30 कितना हो गया 90, अर्थात प्रारंभ में बस में कुल कितने यात्री थे, तो उनकी संख्या क्या आ गई बच्चों, 90 हो गया। देखिए एक समीकरण है उसी पे हमें बनाना है बस। आपने देखा कह रहा है कि बस है कानपुर से दिल्ली जा रही है, और जब दिल्ली पहुंचते, हाँ कानपुर से दिल्ली जा रही, उसमें जानकारी ये था कि महिला और पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दोगुनी है, और जब बस दिल्ली पहुंचती वहां से 10 पुरुष उतर जाते हैं और 20 महिलाएं चढ़ जाती हैं बस में, इस प्रकार बस में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। बताइए कि प्रारंभ में बस में कुल कितने यात्री थे, तो आपने देखा क्या देखा कि मैंने मान लिया, माना महिलाओं की संख्या क्या है बच्चों यक्ष है, और पुरुषों की संख्या क्या है 2x है। प्रश्नानुसार अब कह रहा है कि 10 पुरुष उतर जाते हैं तो यानी 2x माइनस 10 किया, और 20 बढ़ जाती हैं तो बराबर एक्स में 20 जोड़ दिया, तो इस प्रकार महिला और पुरुषों की संख्या आपस में बराबर बताया जा रहा है, बराबर कर दिया, तो 2x का पक्षांतर किया, माइनस एक्स है ये इधर ले आया, प्लस हो जाएगा 2x में से x गया x, 20 प्लस 10 यानी 30, तो यहाँ पर x का मान 30 आ गया, लेकिन चूंकि यात्रियों की संख्या पूछा था तो x प्लस 2x होगा, और x का मान 30 है और 2x का मान 60 है, 60 और 30 कितना हो गया 90 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगला हमारा एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक बस लखनऊ से प्रयागराज के लिए रवाना होती है, प्रयागराज के लिए रवाना होती है, उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से दोगुने हैं जब बस प्रयागराज पहुंचती है तो उससे 5 पुरुष उतर जाते हैं, 5 पुरुष उतर जाते हैं और 10 महिलाएं बस पर सवार हो जाती हैं
सवार हो जाती हैं, सवार हो जाती हैं, तो बताइए कि, तो बताइए कि, तो बताइए कि, बताइए कि प्रारंभ में, तो बताइए कि प्रारंभ में बस में, बस में कुल कुल कितने, कुल कितने यात्री, कुल कितने यात्री हैं या थे, कुल कितने यात्री थे। ठीक है, बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे ये बताना। चलिए देखिए, आप सभी लोग देख रहे हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। एक बस लखनऊ से प्रयागराज, प्रयागराज के लिए रवाना होती है, उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की दोगुने यहां पर दोगुना लिखा हुआ है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो गुने लिखा है, दो गुने हैं। ठीक है, दो गुने हैं। जब बस प्रयागराज पहुंचती है तो उससे 10-5 पुरुष उतर जाते हैं और 10 महिलाएं बस में सवार हो जाती हैं, तो इस प्रकार बस में सवार हो जाती हैं। तो बताइए कि प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे। इसके पहले आपको एक चीज़ यहाँ जोड़ना पड़ेगा, आपको ये जोड़ना पड़ेगा एक चीज़ कि इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ये जोड़ना होगा, क्या जोड़ना हो, उतर बस सवार हो जाती हैं तो इस प्रकार, इस प्रकार बस में, इस प्रकार बस में, बस में महिला और पुरुषों की संख्या, महिला और पुरुषों की संख्या, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है, महिला और पुरुषों की संख्या बराबर, बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, हो जाती है। तो बताइए कि, तो बताइए कि बस के प्रारंभ में, बस के प्रारंभ में कुल कितने यात्री थे, कुल कितने यात्री थे, कुल कितने यात्री थे, ये आपको बताना। चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि माना, माना महिलाओं की संख्या, माना महिलाओं की संख्या क्या मान लें बच्चों, x मान लें, तथा पुरुषों की संख्या, तथा पुरुषों की संख्या क्या मान लें, 2x मान लें, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से दुगनी है, तो महिलाओं की संख्या से दुगनी मतलब महिलाएं यक्ष हैं, तो पुरुष क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। अब आगे देखा जाए, आगे क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि देख रहे हैं कि पुरुषों की संख्या 2x है और ये कहा जाता है कि 5 पुरुष उतर रहे हैं, यानी बस से उतरने का मतलब है कि पुरुषों की संख्या में 5 की कमी हो गई और 10 महिलाएं बढ़ रही हैं, यानी महिलाओं की संख्या में आपने देखा सवार होने का मतलब 10 बढ़ रही हैं, इस प्रकार बस में महिला और पुरुषों की संख्या बराबर हो जा रहा, यानी इसमें 5 उतर रहे थे, इसमें 10 चढ़ रही थी, तो इस प्रकार बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्या आपस में बराबर हो जा रही थी। ठीक है, जरा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ महिलाओं की संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, भाई 10 बढ़ रहा है किसमें, महिलाओं की संख्या में, तो महिलाओं की संख्या क्या है, x, तो इसलिए 10 जोड़ दिया, तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। पक्षांतर करिए, x है यहाँ, 10 प्लस 5 हो जाएगा,
यानी एक्स बराबर कितना है 15 होगा। यात्रियों की संख्या पूछा है तो यात्रियों की संख्या देखा जाए तो यात्रियों की संख्या क्या है एक्स प्लस टू एक्स है, यानी 15 प्लस कितना होगा 30 और 15 30 कितना होता है 45, तो आंसर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। आइए बच्चों टाइप 6 के बारे में बात किया जाए। अगला जो टाइप है वो टाइप 6 है। टाइप 6 पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर टाइप 6 में देखिए इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ उसको समझाता हूँ। फिलहाल आपसे ये कहा जाए कि एक क्वेश्चन ये बोला जाए कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं एक टोकरी में कुछ फूल हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट दोगुने हो जाते हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट दोगुने हो जाते हैं प्रत्येक मिनट दोगुने हो जाते हैं दोगुने हो जाते हैं और टोकरी 40 मिनट में भर जाती है तो बताइए कि टोकरी आधी कब थी। ये आपको बताना है टोकरी आधी कब थी। ठीक है, टोकरी आधी कब थी। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये है कि एक टोकरी में कुछ फूल हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट दो गुने हो जाते हैं और टोकरी 40 मिनट में भर जाती है तो बताइए कि टोकरी आधी कब भरी थी। अब आइए सॉल्यूशन की बात करें। देखिए पहले ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो शब्द बेसिस होते हैं। यहाँ पर वर्ड की कुछ ऐसे हेरा फेरी की जाती है जिसको हमें समझना है। जैसे एक एग्जांपल में हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक टोकरी है और उस टोकरी में वर्तमान में अभी एक फल है। जैसे ही एक मिनट हुआ, और एक मिनट होने का मतलब है कि टोकरी में फलों की संख्या एक से दो हो जाएगी, यानी दुगुना हो जाएगा कहा गया है। फिर और एक मिनट देखा जाए तो एक मिनट बाद अगर देखते हैं तो एक मिनट बाद फिर से दुगुना होगा और दो का दुगुना कितना हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मिनट में देखते हैं तो एक मिनट में क्या होगा दुगुना होगा और दो 4 का दुगुना कितना हो गया 8। ऐसे ही एक मिनट बाद देखा जाए, एक मिनट बाद फिर से देखते हैं तो यहाँ दुगुना होगा और 8 का दुगुना कितना हो गया 16। और एक मिनट बाद देखा जाए तो एक मिनट बाद यहाँ फिर दुगुना होगा और 16 का दुगुना कितना हो गया 32। यहाँ देखा जाए बच्चों, सपोज दैट टोकरी यहाँ पर फुल हो जाती है, भर जाती है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे ही एक एक मिनट में आगे चल रहे हैं टोकरी क्या हो रही दुगनी। अभी एक था, एक मिनट बाद दो हुआ, एक मिनट बाद फिर 4 हुआ, फिर एक मिनट बाद 8 हुआ, अगले मिनट 16 हुआ, 32, 64, इस तरीके से आगे बढ़ती गई। लेकिन हमने ये मान लिया कि सपोज दैट 32 पे टोकरी हमारी भर गई। आधी कब थी, अगर देखा जाए तो 32 का आधा कब था 16 यहाँ है, यानी एक मिनट पहले है बच्चों। यानी देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर 6 मिनट में भरी है तो 6 मिनट के यानी एक मिनट पहले अर्थात 5वें मिनट में टोकरी आधी थी।
तो वही चीज यहां पर है। लड़के क्या करते हैं, सोचते हैं कि 40 मिनट में भरा है तो 40 का आधा 20 होता है, 20 मिनट में आधा होगा। लेकिन चूंकि यहां कंडीशन है कि प्रत्येक मिनट दुगना होता है तो हर एक मिनट पहले दुगना का आधा होना चाहिए। तो यही चीज यहां पर है, यहां पर देख रहे हैं कि 40 मिनट में टोकरी भरी है तो 40 के एक मिनट पहले अर्थात 39वें मिनट में देखेंगे तो 39वें मिनट में हमारी जो टोकरी होगी दोस्तों वो क्या होगी, आधी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 39वें मिनट में टोकरी आधी रही होगी। ठीक है भाई, सीधा आप देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल बना चुका हूं ऊपर कि भाई यहां भरी है उसके एक मिनट पहले देखेंगे तो आधी है। तो ऐसे ही 40 मिनट में भरी है, 40 के एक मिनट पहले अर्थात 39वें मिनट में टोकरी आधी रही होगी। जैसे 39 से 40 मतलब एक मिनट होने पर दुगना बढ़ता है तो आधे से दुगना मतलब पूरा भर गया था। तो 40 मिनट में जब पूरा हुआ था तो 40 के एक मिनट पहले अर्थात 39वें मिनट में देखा जाए तो टोकरी हमारी क्या थी बच्चों, आधी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 39 मिनट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक टोकरी में कुछ फल हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट में दो गुने हो जाते हैं और टोकरी 20 मिनट में भर जाती है, 20 मिनट में टोकरी भर जाती है तो बताइए कि टोकरी एक चौथाई कब थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक टोकरी में कुछ फल हैं, यदि वे प्रत्येक मिनट दो गुने हो जाते हैं और टोकरी 20 मिनट में भर जाती है तो बताइए कि टोकरी एक चौथाई कब थी। तो आइए हम सोल्यूशन की बात करें मित्रों। अब चूंकि आपको एक चौथाई की बात कर रहा है, देख ही रहे हैं, एक चौथाई की बात कर रहा है। अभी हमने आपसे बताया था कि जैसे अभी एक फल है और जैसे ही एक मिनट होता है, एक मिनट बाद अगर देखा जाए तो दुगना यानी दो फल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा कि फिर से एक मिनट बाद देखा जाए तो एक मिनट बाद अगर हम देखें तो दुगना होगा अर्थात चार हो जाएगा। फिर इसके बाद देखा जाए तो एक मिनट बाद अगर हम देखें तो एक मिनट बाद क्या होगा, दुगना होगा, चार का दुगना कितना हो गया, आठ। फिर इसके बाद देखा जाए, एक मिनट बाद देखें तो एक मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो दुगना होगा और यहाँ 16 हो गया। फिर एक मिनट बाद देखते हैं तो एक मिनट बाद दुगना हुआ यानी 16 का दुगना कितना हो गया, 32 हो गया। और यहीं पर सपोज दैट ये माना गया कि टोकरी हमारी क्या हो गई, फुल हो गई। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर टोकरी फुल हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसका सपोज दैट मान लें कि अगर हम 32 में भरा है और 32 का एक चौथाई निकालना हो तो एक चौथाई का मतलब क्या होता है, 8। और अगर 8 फल देखा जाए बच्चों तो एक मिनट पहले आधा था, उसके भी एक मिनट पहले आधे का आधा यानी एक चौथाई था। तो यहां से यहां तक एक और यहां तक दो मिनट पहले। तो यानी हमेशा ये आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि 20 मिनट में चूंकि भरा है
और यहाँ एक चौथाई बोला है इसलिए दो मिनट माइनस कर दीजिए, और 20 में दो माइनस करेंगे तो 18वें मिनट में आप देखेंगे कि टोकरी एक चौथाई रही होगी। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन बनता है इसमें, या तो ये कहेगा कि आधी कब थी, अगर आधा कह रहा है बच्चों तो एक मिनट पहले चले जाइएगा, और एक चौथाई बोला है तो यानी दो मिनट पहले चले जाइएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ आपको समझाया भी है, आप देख रहे हैं कि 32 फल हुए तो टोकरी हमारी पूरी की पूरी भर गई, और 32 के एक मिनट पहले अगर देखा जाए तो आधी थी, और उसके भी एक मिनट पहले देखा जाए तो आधी का आधा यानी एक चौथाई था, तो यानी एक और एक दो मिनट पहले चौथाई होती है, इसलिए हमने 20 मिनट में क्या किया, दो मिनट माइनस कर दिया, और 20 में दो मिनट माइनस कर दिया तो कितना हो गया 18, तो 18वें मिनट में टोकरी हमारी क्या रही होगी, एक चौथाई रही होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से होता है। अगला जो प्रश्न बनता है बच्चों ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये कहेगा कि एक बंदर 30 मीटर लिख देते हैं, एक बंदर 30 मीटर एक पोल के नीचे खड़ा है, एक पोल के नीचे खड़ा है, एक पोल के नीचे खड़ा है। आपने देखा कि एक बंदर 30 मीटर एक पोल के नीचे खड़ा है, यदि वह प्रत्येक छलांग में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है, 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे सरक जाता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, खिसक 2 मीटर नीचे खिसक जाता है 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। ठीक, एक बंदर 30 मीटर एक पोल के नीचे खड़ा है, यदि वह प्रत्येक छलांग में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो बताइए कि बंदर कितने छलांग में पोल के शिखर पर पहुंचेगा। चलिए अब आइए देखा जाए, एक बंदर 30 मीटर एक पोल के नीचे खड़ा है, यदि वह प्रत्येक छलांग में 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो बताइए कि बंदर कितने छलांग में पोल के शिखर पर पहुंचेगा। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों। अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करते हैं, सपोज दैट देखते हैं कि ये एक पोल है, हमने इसको एक पोल मान लिया, और यहां देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 फिर आगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, और ये 30 हो। ठीक, तो यहां देखा जाए तो ये 30 हो गया। अब आपने ये देखा कि प्रत्येक छलांग में वो 3 चढ़ा और 2 फिसल गया, यानी ये देखा जाए तो बंदर द्वारा एक छलांग में
चढ़ी गई दूरी, चढ़ी गई दूरी, चढ़ी गई दूरी 3-2 अर्थात 1 मीटर। बंदर द्वारा एक छलांग में चढ़ी गई दूरी 1 मीटर है, इसलिए 27वें छलांग में चढ़ी गई जो दूरी होगा वो 27 मीटर होगा। अतः 28वें छलांग में चढ़ी गई जो दूरी होगा वो 27+3 यानी 30 मीटर होगा। यानी आपने देखा कि 28वें मिनट में वो कहाँ पहुंच जाएगा, शिखर पे पहुंचेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि पोल आप देखे होंगे कि एक पोल में जो खिसकने या फिसलने की जो कंडीशन होती है वो बीच के एरिया में होता है। ऊपर भी आप देखे होंगे कि इस तरीके से बेस बना होता है, यानी जगह होता है, और नीचे भी बेस बना होता है। तो यानी जब वो ऊपर नीचे नहीं खिसकता है वो कहाँ, बीच के पोर्शन में खिसकता है। जैसे वो 27 छलांग मारा था तो 27 मीटर था ही, 28वां छलांग मारा तो वो सीधा शिखर पे पहुंच गया। अब जब शिखर पे पहुंचा तो वहाँ नहीं फिसलेगा, इसलिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, 28वां छलांग। और दूसरी चीज क्या है कि अगर इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमेशा देखिएगा जितनी आपकी दूरी है और जितना वो फिसल रहा है, जैसे खिसक कितना रहा है 2, तो यानी 30 में आप 2 को घटा देंगे और 30 में 2 घटाएंगे तो 28वें छलांग में आप देखेंगे कि वो पोल के कहाँ पर होगा, शिखर पे होगा। 28वें छलांग में कहाँ होगा, पोल के शिखर पे हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल दूरी कितनी थी 30 मीटर, खिसक कितना रहा था 2, 30 में से 2 घटाया कितना हो गया 28, यानी 28वें छलांग में वो सीधे के सीधे कहां पहुंच जाएगा, शिखर पे पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल और लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे, 60 मीटर ऊंचे एक पोल के नीचे खड़ा है, एक पोल के नीचे खड़ा है, एक पोल के नीचे खड़ा है, पोल के नीचे खड़ा है, यदि वह प्रत्येक छलांग में 4 मीटर ऊपर चढ़ता है, 4 मीटर ऊपर चढ़ता है और फिर तीन मीटर नीचे खिसक जाता है, 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो बताइए कि बंदर कितने छलांग में, बंदर कितने छलांग में, बंदर कितने छलांग में पोल के शिखर पर पहुंचेगा।
कितने शिखर में पुल के शिखर पर पहुंचेगा। आपने देखा कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे एक पुल के नीचे खड़ा है। यदि वह प्रत्येक छलांग में 4 मीटर ऊपर चढ़ता है और फिर 3 मीटर नीचे खिसक जाता है, बताइए कि बंदर कितने छलांग में पुल के शिखर पर पहुंचेगा। हमने आपसे ये कहा था, अभी आपको बताया था कि दूरी जितनी हो, जैसे 60 दूरी है और आपने देखा कि फिसलने की कंडीशन कितनी है, 3 है, 60 में से देख रहे हैं ना। हमने आपको यही बताया था कि टोटल कितना है, 60 है और फिसलने की कंडीशन कितनी है, 3 मीटर है। इसलिए 60 में 3 को घटा दीजिए, 60 में से 3 घटाएंगे, 97 छलांग में आप देखोगे कि वो कहाँ पर होगा, शिखर पे पहुंच जाएगा। तो आंसर होगा ये, यानी हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखिए, चूंकि जो मिनट वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक मिनट में इतना चढ़ता है, अगले मिनट में इतना सरकता है, वो मैथ्स में होते हैं, रीजनिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जो दूरी देगा चढ़ने का, या तो 4 देगा 3 उतरेगा, या तो 3 चढ़ेगा 2 उतरेगा, या तो 2 चढ़ेगा 1 उतरेगा। यानी आप देखोगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक ही होता है। इसलिए जितना भी वो फिसल रहा है, ऐसे क्वेश्चन में जितना भी वो फिसल रहा है उतना ही आप घटा देंगे। घटाने के बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है बच्चों, ठीक है। यानी जितना भी वो चल रहा है, जितना उतर रहा है टोटल में से, उतना आप माइनस कर दीजिए, और जब आप माइनस करेंगे आप देखेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था अर्थमेटिकल रीजनिंग, यानी अंक गणितीय तर्कशास्त्र। और अंक गणितीय तर्कशास्त्र में आपको हमने 6 टाइप पढ़ाए हैं। देखिए, चूंकि ये मैथ का टॉपिक होता है बच्चों, रीजनिंग में आता है, और कोई विशेष वो नहीं होता है, पूरे अर्थमेटिकल टॉपिक का होता है। मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाते हैं, जो भी जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, परसेंटेज पढ़ाते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशंस पढ़ाते हैं, वही सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो विशेष तौर पे रीजनिंग के पोर्शन में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक के, वो सारे हमने आपको एक एक करके, वन बाई वन करके आपको बता दिए। तो ये 6 टाइप पूरा का पूरा आपका फिनिश हुआ, जिसमें हमने आपको अर्थमेटिकल टॉपिक को फिनिश किया है, ठीक है। तो ये टॉपिक फिनिश हो गया बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू।